दोस्तों IPL साल 2021 का सीजन शुरू होने में अब काफी कम समय का टाइम बचा है, जहां पर हाल ही के अंदर हुआ IPL का 13th एडिशन यानी IPL 2020 बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। 28% बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली IPL के व्यूअरशिप के अंदर। और यहां पर दोस्तों IPL का 14th एडिशन यानी IPL 2021 जल्दी स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांचक और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। काफी सारी एक्साइटमेंट यहां पर होने वाली है, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है यहां पर IPL के नए सीजन से, और हर दिन IPL से रिलेटेड काफी सारी न्यूज निकल के आती है। आज की वीडियो में मैं आपको दिन भर की टॉप न्यूज बताने वाला हूं, बट उससे पहले आप नीचे जरूर कमेंट करके अपनी फेवरेट टीम का नाम बताएं, कौन सी है ये न्यूज, किस टीमों की तरफ से निकल के आती है लेटेस्ट अपडेट, किन टीम को होने वाला है बड़ा प्रॉफिट, किन टीम को होने वाला है नुकसान। आज की वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड A to Z सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों IPL साल 2021 के सीजन को लेकर काफी कम समय बचा है और कुछ ही महीनों के बाद IPL 2021 का सीजन शुरू हो जाएगा। IPL का 14th एडिशन काफ़ी सारे धूम और धमाके लेकर आने वाला है, जहां रोजाना IPL के नए एडिशन को लेकर काफ़ी सारी अपडेट्स और काफ़ी सारी न्यूज़ बाहर निकल के आती है। आज तारीख हो चुकी है 24 नवंबर और आज भी दिन भर में काफ़ी सारी न्यूज़ और काफ़ी सारी अपडेट्स IPL के नए एडिशन को लेकर बाहर आई है। आज की वीडियो में मैं आपको दिन भर की टॉप न्यूज़ और टॉप खबरें बताने वाला हूँ। पहली न्यूज़ बाहर निकल के आती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से। दोस्तों SRH के धमाकेदार ओपनर जॉनी बेस्टो हो चुके हैं यहाँ इंग्लैंड की टीम से बाहर। दरअसल दोस्तों जॉनी बेस्टो के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि यहाँ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स से, और टेस्ट टीम के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जहां आपको बता दें डोमिनिक सिविली, उन्होंने यहां जॉनी बेस्टो को कर दिया है रिप्लेस, यानी एक साल के लिए आपको इंग्लैंड की टेस्ट जर्सी के अंदर जॉनी बेस्टो नजर नहीं आने वाले हैं। दूसरी न्यूज़ निकल के आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से। दोस्तों RCB की टीम बहुत ही शानदार और बहुत ही मजबूत टीम हर साल ही बन के नज़र आती है, बट यहाँ अभी तक 13 IPL एडिशन के अंदर एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत सकी है। और आपको बता दें काफ़ी फैंस का ही सवाल होगा RCB के कि किस प्लेयर को वो 2021 के ऑक्शन में लेना ज़रूर चाहेगी, यानी कौन सा ऐसा मेन प्लेयर होगा जिसको हर कीमत पर लेना ही लेना चाहेगी। और उस बड़े प्लेयर का नाम सामने निकल के आ चुका है, वो बड़ा प्लेयर है कृणाल पांड्या। दरअसल दोस्तों RCB की मैनेजमेंट और मैनेजमेंट से कप्तान विराट कोहली कृणाल पांड्या को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, जहां अगर आपको याद हो तो साल 2018 के IPL ऑक्शन के अंदर जो कि मेगा ऑक्शन हुआ था, उसके अंदर कृणाल पांड्या को यहां RCB की टीम ने 8 करोड़ तक बिडिंग की थी, बट यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने उनके ऊपर RTM का यूज किया और वापस टीम में ले लिया था। बट यहां साल 2021 के अंदर जब मुंबई इंडियंस की टीम 5 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी तो काफी मुश्किल होगा कि कृणाल पांड्या को वो RTM या डायरेक्ट रिटेन कर सके, और इसी के चलते RCB की टीम यहां उनको 101% श्योरिटी के साथ अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी, जहां RCB की टीम को जरूरत है मिडिल ऑर्डर के अंदर एक अच्छे बैट्समैन हिटर की, साथ ही साथ जो बॉलिंग भी कर सके। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या IPL 2021 के अंदर कृणाल पांड्या टीम में नजर आएंगे। तीसरी न्यूज निकल के आती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दोस्तों 5 खिलाड़ियों का नाम अब बाहर निकल के आ चुका है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम किन 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है। दोस्तों इन खिलाड़ियों के नाम है शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ये हो चुके हैं 3 भारतीय खिलाड़ी। दो फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो मार्कस स्टोइनिस और कगिसो रबाडा। दोस्तों एंड्रेट नोकिया यहां पर अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या इन 5 खिलाड़ियों के अलावा किसी और खिलाड़ियों को यहां टीम को रिटेन करना चाहिए। चौथी खबर निकल के आती है विनोद कांबली को लेकर। दोस्तों पूर्व भारतीय खिलाड़ी, अच्छे बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर के साथ ओपन किया करते थे और एक भी IPL सीजन इन्होंने नहीं खेला, बट यहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दिया IPL 2021 को लेकर। उन्होंने कहा है कि मैं आने वाले सभी सीजन्स के लिए अवेलेबल हूँ एज अ बैटिंग कोच, एज अ बैटिंग कंसल्टेंट। कोई भी टीम मुझे चेस कर सकती है, कोई भी टीम अगर मुझे अप्रोच करेगी कि मैं उनकी टीम में चला जाऊँगा उनको बैटिंग की टिप्स देने। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं किस टीम में विनोद कांबली जा सकते हैं बैटिंग कोच में, या फिर ऐसे के ऐसे ही वो किसी भी टीम में नहीं जा पाएंगे। पांचवी न्यूज़ निकल के आती है IPL 2020 को लेकर। दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स ने पहले यहां पर बताया था कि उनको इस साल व्यूअरशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है, और अब BCCI ने कंफर्म कर दिया है कि यहां उनको 4000 करोड़ रुपए का मुनाफा है। उन्होंने IPL 2020 से 4000 करोड़ कमाए हैं। इसके अलावा दोस्तों मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, जो पहला मैच हुआ था 19 सितंबर 2020 को, इतिहास के अंदर पूरे IPL 13 सीजन के अंदर सबसे बड़ा ओपनिंग मैच बन गया है, जो सबसे ज़्यादा पैसे कमा कर दिए हैं BCCI और स्टार स्पोर्ट्स को। तो फ्रेंड्स ये थी दिन भर की टॉप न्यूज़। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।